गुड मॉर्निंग। हम और आप कभी सोचे हुए नहीं थे कि इस तरह हम लोगों की पढ़ाई चलेगी। हम सभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, आप और हम सभी। ऐसे में इस माध्यम से हम लोग आगे की पढ़ाई ना रुके, हम लोगों की पढ़ना और पढ़ाना चलता रहे, और ये कोशिश है हम लोगों की। सो गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और आज हम लोग क्लास 9 के बच्चों के लिए कि आज हम लोग पोयम्स स्टार्ट करते हैं, यानी कि कविता से। और पहली कविता जो हम लोगों के पास आएगी वो कबीर दास के साखी, जो उनका दोहा संग्रह है, उनसे लिया गया है। साखी और कबीर दास। सबसे पहले कबीर दास की, तो हिंदी में जो कविता है, हिंदी काव्य है, यह दो भागों में बटी हुई है। एक भक्ति मार्ग में और दूसरी भक्ति काल में और दूसरी रीति काल में। यानी इस कविता को दो पीरियड में बांटा गया है, पहला भक्ति काल और दूसरा रीति काल। ठीक, तो भक्ति काल में जैसा कि हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर ईश्वर की भक्ति ही की गई है, चाहे वो सूरदास हों, तुलसीदास हों, मीराबाई हों, रैदास हों, कबीरदास हों, सब ने अपने अपने हिसाब से ईश्वर भक्ति की है। तो सबसे पहले कबीरदास। अब भक्ति मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में हुआ कि भगवान के दो रूपों का वर्णन किया गया है। एक में भगवान को एक साकार रूप किया गया, और किसी ने राम माना, किसी ने कृष्ण माना। हाँ, तो मीराबाई और सूरदास ने कृष्ण की आराधना शुरू कर दी, तो तुलसीदास ने राम की आराधना शुरू कर दी, कोई दुर्गा मानने लगा। एक मार्ग ऐसा था जिसने ईश्वर का कोई रूप ही नहीं माना, उसने कहा कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वह किसी भी गुण अवगुण से ऊपर है। और इसी में कबीरदास आते हैं। कबीरदास का जन्म 1455 में माना जाता है, ठीक, और मृत्यु 1495, यानी 40 साल, 55 से 95, 40 साल की यह आयु कबीरदास की मानी जाती है। कबीरदास के भाषा शैली में आपको मिलेगा कि वो पांच पांच भाषाओं को मेल करके अपने दोहा या अपने गीत बनाते थे। पांच भाषाएं, उस समय की जो बोलियां थी, पांच बोलियां, उसको मिला करके वो बनाते थे अपने दोहे को, अपने गीत को। और इस तरह से इनकी जो पंचमेली भाषा है कबीरदास की, इस पंचमेली भाषा को सधुकरी भाषा के नाम से जाना गया। कबीरदास सदैव मतलब दिखावे से, आडंबर से दूर रखते थे अपने आप को। उनके हिसाब से राम का अगर आराधना करना हो तो अपने मन में करो, काय के लिए किसी मंदिर में जाना। हाँ, या अल्लाह को ही बुलाना हो तो अपने पास बुलाओ, मस्जिद में जाकर के हल्ला करने से क्या फ़ायदा। उनके हिसाब से ये था। तो कई लोग उनको कहा करते थे कि भाई ये पागल है, ये है, ये बदनाम कर दिया था कबीरदास को सब लोगों ने। तो उन्होंने एक दोहा कहा था कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, बैठ दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। कि ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से गाँव तकिया लगा करके बैठ जाओ। हाँ, क्योंकि ये जो संसार है वो कुत्ते का रूप है। हाँ, तो हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। तो ये इनका मानना था कि दुनिया मुझे जो कहे सो कहे, मैं तो ईश्वर या अल्लाह को यही मानूंगा कि अपने मन में है तो सब जगह है, नहीं है तो कहीं नहीं है। इसी में उसने सबसे पहले जिनकी वंदना की है हमारे इस पाठ में, वो है हमारा टीचर, हमारा गुरु, हमारा मार्गदर्शक, हमारा दिशा निर्देशक, जो हमें यह बताता है कि दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा है।
ठीक, तो इसी में उन्होंने पहला दोहा कहा है कि गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु और गोविंद दोनों कबीरदास के आगे आकर खड़े हो गए। तो अब इनके पास ये दुविधा हो गई कि ईश्वर बड़ा या गुरु बड़ा। दुनिया को जिसने बनाया या जो दुनिया चला रहा है वो बड़ा है, या जिसने मुझे ये बताया कि तेरे सामने जो मेरे अलावा खड़ा है वो दुनिया का एकमात्र बादशाह है, इसे लोग भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा कहते हैं। तो उसने कहा कि यार भगवान तो आकर के हमें बताया नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं ही दुनिया चलाता हूँ, हाँ मैं ही इस सृष्टि का संहारक हूँ, मैं ही इसी का पालन करता हूँ, मैं ही इसी का सृष्टि करता हूँ, हाँ ये बताने वाला भी मेरा गुरु ही है। तो जब दोनों उनके सामने आ गए, गुरु और ईश्वर, तो उन्होंने बलिहारी गुरु आपने, मैं तो अपने गुरु के ही बलि बलि जाऊं, मैं अपने गुरु पर ही अपना सर्वस्व न्योछावर करूं जिन्होंने मुझे यह बताया कि सामने वाला ईश्वर है। मैं सबसे पहले वंदना अपने गुरु की करूंगा, ना कि उस ईश्वर का करूंगा। ये एकदम निर्गुणवादी दोहा है, ना ईश्वर बड़ा है ना मैं बड़ा हूँ, ठीक एकदम निर्गुण, उसमें कोई ये नहीं है कि भगवान और गुरु की तुलना में कबीर ने अपने गुरु को ही भगवान से बढ़कर बताया है। उनके हिसाब से यह कहा गया है कि मेरे हिसाब से अगर पूछो तो कहूँ कि गुरु ही अपना बड़ा होता है, उसी के आगे अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि वही है जिसने मुझे ईश्वर तक पहुंचने में या ईश्वर के समकक्ष ईश्वर के प्रभाव को, समकक्ष नहीं, ईश्वर के प्रभाव को या ईश्वर तक पहुंचने में का जो रास्ता है या उसके प्रभाव को जानने का जो रास्ता है वो गुरु ने बताया, ठीक। और इसी में यह भाव है कि गुरु की कृपा से ही हम अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने अल्लाह, अपने खुदा, अपने भगवान को हम जान पाते हैं। सो मेरे हिसाब से गुरु ही सबसे बड़ा है। दूसरा दोहा है उनका कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं तो मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। कबीर के हिसाब से मैं शब्द का प्रयोग अहंकारवाचक है, मैं का प्रयोग उन्होंने अहंकार के लिए किया है कि जब तक मैं यह समझता हूं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब करता हूं, मैं मेरे मेहनत से ही मेरे परिवार का पेट चलता है, मैं ही अपने परिवार का, अपने आसपास के समाज का रक्षक हूँ, मेरे द्वारा समाज चलता है, मेरे द्वारा परिवार चलता है या खुद मैं चलता हूँ, तो जब तक मैं का भाव हमारे अंदर रहता है, मैंने सब कुछ किया, तब तक हम ईश्वर के प्रभाव को नहीं जानते। ईश्वर क्या है ये हम नहीं कहते हैं, ईश्वर क्या है, जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ले लेते हैं, अभी हम और आप सभी घरों में कैद हैं और कह रहे हैं कि भगवान ने ये क्या कर दिया, भगवान ने ये क्या कर दिया, तो ईश्वर का प्रभाव अभी याद आता है कि हाँ भाई अब हमारे से कुछ नहीं होने वाला है, जो है वो ऊपर वाला करता है। तो वही है कि
जब तक मेरे अंदर में मैं का यानी अहंकार का भाव रहता है तब तक हम लोग अपने आसपास ईश्वर की कल्पना मात्र तक नहीं करते, ईश्वर को समझते तक नहीं हुए दो भगवान क्या है। लेकिन अब हरि है मैं ना ही, और जब ईश्वर यह बताता है कि बेटा मैं ही हूँ तू नहीं, हाँ मैं हूँ आप नहीं, मेरे से ही आप चलते हैं, आपसे मैं नहीं चलता, तो जब ईश्वर का वर्चस्व बनता है तब हमारी कोई गिनती नहीं रहती है। मानव यानी आत्मा जो हमारे अंदर है या हम जो उस परमात्मा का एक अंश मात्र है, ये आत्मा और परमात्मा यानी जीव और ईश्वर के बीच में जो संबंध है वह सिर्फ और सिर्फ प्रेम रूपी धागे से बंधा हुआ है। या हमारा अपने अपने आराध्य तक पहुंचने का जो मार्ग है वह केवल और केवल प्रेम है, स्नेह है, लव है, अपने अपने आराध्य से प्रेम करना, और ये प्रेम रूपी रास्ता बहुत ही दुष्कर है। दुष्कर इट मीन्स बहुत पतला है, अकेले ही जा सकते हैं, ये उस खेत के बाड़ के समान है जिस पर हम अकेले चलते हैं, मेरे साथ वाला अगर कोई हो तो वो मेरे पीछे आ जाएगा या मेरे आगे आ जाएगा, साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम नहीं चल सकते। तो ये प्रेम रूपी रास्ता जो हमें हमारे ईश्वर तक पहुंचाता है यह बहुत ही संकड़ा है, और इसमें हम अपने साथ अहंकार रूपी दोस्त को साथ लेकर नहीं चल सकते, या तो अहंकार ही रह जाएगा या मैं रह जाऊंगा अपने ईश्वर के समकक्ष, अपने ईश्वर के पास पहुंचने के लिए या तो मैं ही रह जाऊंगा या मेरा अहंकार रह जाएगा जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। तो वही है कि अहंकार की भावना जब तक हमारे अंदर होती है तब तक ईश्वर हमें नहीं मिलते। हमारे अंदर से जिस दिन अहंकार की भावना मिट जाती है उस दिन ईश्वर हमें मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। हो सकता है हम में से कईयों को मिले हों, कईयों को मिल जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर में अहंकार की रंच मात्र यानी लेस मात्र हिस्सा भी अगर रह जाता है तो हम अपने ईश्वर से उतना ही दूर रह हो जाते हैं, जितने पहले थे उतने अभी भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।